हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे आज हम एसएससी सीजीएल प्री मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। किसी भी ज्योतिष व्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कुंडली, किसी को भी अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं। अपना भविष्य बनाना है ना, प्रिडिक्ट करना है ना, अपना भविष्य खुद बनाओ, खुद लिखो अपना भविष्य, है ना। जो आप लिखोगे वही बनेगा आपका भविष्य। आप अपनी इतना हार्डवर्क करो, चैलेंज करो अपने आप को, चैलेंज करो अपनी किस्मत को कि मेरी किस्मत में जो नहीं भी लिखा मैं वो भी हासिल करके रहूंगा। ठीक है, क्या जरूरत है किसी के पास जाने की कुंडलियां दिखाने के लिए। बेटर है कि हम खुद ही अपनी कुंडली बना डालें, राइट। जिनके हाथ नहीं हो तो उनकी भी तो लकीरें होती हैं ना, वो किसको दिखाते हैं अपनी लकीरें हाथों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है इंडिस्पेंसिबल, इसका हमें एंटोनिम ढूंढ के निकालना है। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बिल्कुल अनिवार्य, ऐसी चीज जिसके बिना वो काम पूरा नहीं हो सकता या कोई चीज अधूरी है। ठीक है, वो हो गया इंडिस्पेंसिबल, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा क्रूशियल। ठीक है, चलिए देखते हैं। फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब वो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत चीज है, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं आगे। अब मकान के लिए नींव बनाना एक मूलभूत आवश्यकता है, उसके बिना मकान नहीं बन सकता, राइट। तो वो क्या है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है मकान का, इसको आप अलग नहीं कर सकते। क्रूशियल, क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल। इन एसेंशियल मतलब गैर जरूरी, जो कि इसका एंटोनिम बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिसके बिना वो कार्य पूरा ही नहीं हो सकता। और इन एसेंशियल मतलब गैर जरूरी, मतलब इसके बिना कार्य हो सकता है कोई भी। बेसिक, बेसिक मतलब ये बेसिक नेसेसिटी है, इसके बिना आगे की चीजें पूरी नहीं हो सकती। जैसे नींव, बेस, नींव का एग्जाम्पल लिया, वो बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना आप मकान नहीं बना सकते, राइट। तो ये क्या हो गया, बेसिक भी इंडिस्पेंसिबल का सिनोनिम, यानी फंडामेंटल, क्रूशियल, बेसिक, ये हो गया इंडिस्पेंसिबल के सिनोनिम, और इन एसेंशियल इसका एंटोनिम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है इसमें से वो बताना है। सबसे पहले है प्रिपेयर। अब प्रिपेयर के स्पेलिंग ये नहीं होते हैं, तो हमें पता है क्या, हम प्रिपरेशन करें तो हमें पता ही है प्रिपेयर के स्पेलिंग क्या होते हैं, पी आर ई पी ए आर ई। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। मशी, मशी एक तो मतलब होता है इसका कि बहुत सॉफ्ट और पल्पी सा। ठीक है, मशी सा मैंगो है, मशी सा मैंगो है, या फिर बनाना है आप उसको मैश कर दो, मशी बना दो। ठीक है, या और दूसरा मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भावुक इंसान, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल पर्सन। ठीक है, मैटर, मैटर मतलब कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है मैटर, और मैटर मतलब कि भाई मसला क्या है, मैटर क्या है, वो तो बताओ। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। बिजीएस्ट, बिजीएस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा बिजी व्यक्ति। ठीक है, और फर्स्ट है प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, और उसकी स्पेलिंग है इनकरेक्ट। हॉवर्ड, ट्राई टू स्पीक बट ऑल दैट केम आउट वॉज एन डैश स्क्वीकी गार्गल। हार्वर्ड ने बोलने की कोशिश करी, वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से केवल डैश स्क्वीकी गार्गल, यानी कि तीखी सी, तीक्ष्ण सी, गड़गड़ाहट की आवाज ही निकली। मतलब शब्द नहीं निकले, उसने बोलने की कोशिश करी बट शब्द नहीं निकले, केवल गड़गड़ाहट की आवाज, या फिर ना समझ में आ पाने वाली आवाज निकली। अब देखो, सबसे पहली चीज एन, एन का प्रयोग किसके साथ होता है, वोवल साउंड्स के साथ, ए ई आई ओ यू, इनके साउंड्स के साथ में होता है। तो एस, ये तो एस से साउंड हो रहा है ना, तो इसके साथ में तो एन, सिंसियर, सिंसियर यानी कि सर से साउंड हो रहा है, तो सिंसियर में तो एन यूज नहीं होगा, तो ये तो हो गया हमारा एलिमिनेट। ठीक है, इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है अनरीजनेबल, वो नॉट कन्विंसिंग। ठीक है, यानी कि आप उसको कन्विंस करने में असफल रहे, या फिर आपकी जो बात है वो इतनी ज्यादा कन्विंसिंग लग नहीं रही, अनरीजनेबल सी बात लग रही है, वो होता है इम्प्लॉजिबल। तो यहाँ पे उसकी बात अनरीजनेबल या नॉन कन्विंसिंग नहीं थी, उसकी बात तो सामने आ ही नहीं पाई, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ईजी, ईजी मतलब बहुत आसान थी, तो वॉज एन ईजी स्क्वीकी गार्गल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बहुत आरामदायक या ईजी गार्गल नहीं निकला उसके मुंह से, वो कोशिश कर रहा था बोलने की लेकिन आवाज ही नहीं निकली। ठीक है, और लास्ट है हमारा, हमारे पास इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट।
ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने बोला उसमें से केवल अस्पष्ट सी कुछ स्क्वीकी सी आवाज निकली, तीक्ष्ण सी आवाज निकली, उसके शब्द तो सामने आए ही नहीं। तो इनआर्टिकुलेट मतलब अस्पष्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हमें ऑपोजिट वर्ड निकालना है, ठीक है, जो वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढ के निकालना है। इग्नोमिनी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बदनाम व्यक्ति या बदनामी, ठीक है। तो बदनाम अगर कोई व्यक्ति है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, बदनाम का कोई सम्मानजनक व्यक्ति, राइट। तो एस्टीम का मतलब होता है सम्माननीय या माननीय या सम्मानजनक, ठीक है। तो एस्टीम जैसे हम फॉर एग्जांपल जब हम स्पीचेस वगैरह देते हैं स्कूल कॉलेजेस में तो हम बोलते हैं ना टुडे वी वेलकम आर एस्टीम्ड गेस्ट, मतलब कि हमारे सम्माननीय जो गेस्ट हैं उनका हम स्वागत करते हैं आज इस मंच पर। तो वो क्या एस्टीम, जो कि इग्नोमिनी का ऑपोजिट है, एंटोनिम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बदनाम, ये इसका सिनोनिम है। स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब होता है कलंक, शेम, ठीक है, कि ये हमारे समाज का बहुत बड़ा स्टिग्मा है, यानी कि हमारे समाज के ऊपर एक बड़ा धब्बा है, हमारे समाज का एक कलंक है, ठीक है। कोई भी ऐसी घटना हो जैसे कि चाइल्ड मैरिज या फिर प्रोस्टिट्यूशन, ये हमारे समाज में एक स्टिग्मा है। इनफेमी, इनफेमी मतलब भी बदनामी। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए, ऑप्शन ए इसका एंटोनिम है। अब इसमें जो वर्ड यहाँ पे ब्लैक में हाइलाइटेड है वॉज सिंक, इसको रिप्लेस करना है अगर इसमें कोई रिक्वायर है रिप्लेसमेंट की। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टाइटैनिक वॉज सिंक आफ्टर मिडनाइट। तो टाइटैनिक रात के बाद, आधी रात के बाद डूबा था, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं पास्ट की घटना है, ठीक है। तो वॉज सिंक की बजाय क्या आएगा, संक, ठीक है, क्या आएगा, संक। क्यों, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की आवश्यकता है यहां पे, तो हम संक का प्रयोग करेंगे। वॉज ड्राउन नहीं होगा, संक्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, करेक्शन तो रिक्वायर्ड है, संक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहां पे एक फ्रेज दिया है, इसका हमें मीनिंग समझाना है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, तिल का ताड़ बनाना, मोल हिल है उसका माउंटेन बना दिया, छोटी सी हिल है आपने उसको बता दिया कि वो इतना बड़ा पहाड़। तो क्या है वो, आप छोटी सी परेशानी को, छोटी सी तकलीफ को, छोटी सी समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, उसको आप ऐसे समझ रहे हैं कि बस आपका जीवन तो खत्म हो गया, ठीक है। टू वायलेट द रूल्स, यानी कि नियमों का उल्लंघन करना, जो कि नहीं है इसका मीनिंग। टू मेक अननेसेसरी कॉमेंट्स, यानी कि अननेसेसरी कॉमेंट्स करना किसी के ऊपर, गैर जरूरी टिप्पणियां करना, जो कि इसका मतलब नहीं है। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल, यानी कि छोटी सी समस्या को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसको राई का पहाड़ बना देना, ठीक है। टू अचीव बिग सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रीतम सेड द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। अब इसको हमें करेक्ट फॉर्म में लेकर आना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है। तो प्रीतम ने कहा कि जो प्रिजनर था वो पूरी जर्नी के दौरान सोता रहा। तो हमें क्या करना है, प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड बीन स्लीपिंग, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो उस टाइम तक सो नहीं रहा था, वो सो रहा था जब ये पास्ट की घटना है, कंप्लीट हो चुकी है, कंटिन्यूअस में नहीं चल रही, ठीक है। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लीप थ्रू आउट द जर्नी, हैड और स्लीप दोनों साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, गलत हो जाता है। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, प्रीतम ने कहा कि जो प्रिजनर था वो पूरी जर्नी के दौरान सोता रहा, ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैज स्लेप्ट, जो कि गलत है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ईडियम दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है। अ बाइट एट द चेरी, यानी कि चेरी कितनी छोटी सी होती है, छोटी सी है उसके ऊपर भी आपने बाइट कर लिया, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उस कुछ करने की, आप उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अ रॉन्ग मूव, कोई गलत तरीका अपनाना, कोई गलत कदम उठाना, जो कि इनकरेक्ट है। एन अटेम्प्ट,
और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, एक कोशिश कुछ करने की, ठीक है, विच मीन्स अ बाइट एट द चेरी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. टू हैव अ लेवरेज ओवर समवन, किसी के ऊपर ज़्यादा अपर हैंड होना कि मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा इस व्यक्ति के कंपैरिजन में, ठीक है, जो कि गलत है. अ डॉग बाइट, कुत्ते के काटने के लिए बोला जा रहा है, जो कि इनकरेक्ट है. रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज बिफोर यू लीव, याद रखना तुम जाने से पहले सारी विंडोज बंद कर देना, ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें, सारा करेक्ट है. योर लीव नहीं आएगा, बिफोर योर लीव, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर इज करेक्ट. यू लीव्स नहीं होगा, यू हैव लीविंग भी नहीं होता. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द ऑयल इन द दिया सिंबलाइजेस द डर्ट इन द ह्यूमन माइंड सच एज ग्रीड डैश हेट एक्सेट्रा. बोल रहे हैं जो दिए में तेल है वो किसका प्रतिबिंब है, किसका एग्जाम्पल है, किसका रिजेंबल करता है, इंसान के दिमाग में जो गंदगी है उसको रिजेंबल करता है. और किस तरीके की गंदगी है, जैसे कि लालच डैश हेट. अब गंदगी है तो क्या होगा, लालच साथ में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होगा. एनवी, एनवी मतलब जलन, ठीक है, विद्वेष. तो एनवी करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे कि जो उसके मन में लालच जलन और ईर्ष्या है, इस जैसे जो हमारी गंदगी है दिमाग में उसको रिजेंबल करता है दिया, दिए के अंदर का तेल. स्लेवरी, स्लेवरी मतलब बंधन. जॉय, जॉय मतलब खुशी. तो अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, गंदगी है, जॉय गंदगी तो नहीं है, खुशी गंदगी तो नहीं है. मैरी भी मतलब खुशी का भाव, आनंद का भाव, तो ये भी गंदगी नहीं है. तो ये दोनों तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमें नेगेटिव एस्पेक्ट चाहिए तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाते हैं. तो ऑप्शन ए एनवी इज करेक्ट. सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं हो. वी डब्ल्यू ई कैन सी एन नेवर एन ई वी ई आर सॉल्व एस ओ एल डबल वी ई, जबकि सॉल्व के स्पेलिंग होते हैं एस ओ एल वी ई, एक वी एक्स्ट्रा है. आर प्रॉब्लम्स, तो इसमें एरर है यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया. वी कैन नेवर सॉल्व आर प्रॉब्लम्स बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है. वी कैन नेवर सॉल्व आर प्रॉब्लम्स, एल ए लिखा है प्रॉब्लम्स की स्पेलिंग में, एल ई आता है, ठीक है. वी कैन नेवर, नेवर की स्पेलिंग गलत है, एन ई वी ई आर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12, एक सेंटेंस दिया हुआ है, स्टेटमेंट है, उसमें जिस पार्ट में एरर है वो सिलेक्ट करना है. बुश फायर हैव क्रिएटेड हैवॉक एंड एग्जेसिबेटेड द कंडीशंस ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, कि जंगल में लगी, झाड़ियों में लगी आग की वजह से वहां पे तबाही मच गई थी और जानवरों की परिस्थिति जो है, जंगल में रहने वाले जानवरों की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है. अब बुश फायर एक सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बुश फायर हैव की जगह क्या आएगा, बुश फायर हैज, ठीक है. तो हैज का प्रयोग होगा, यानी कि फर्स्ट में ऑप्शन ए क्या है, बुश फायर हैव क्रिएटेड हैवॉक, तो ऑप्शन ए में एरर है, हैव की बजाय क्या आएगा, हैज आएगा. ओके, ऑपोजिट वर्ड निकालना है ढूंढ के. विवेसिटी, विवेसिटी का मतलब होता है बड़ा ही खुशनुमा, बड़ा ही इंजॉय करने वाला, हाई स्पिरिट वाला व्यक्ति, है ना, चुस्त एकदम. सैप, सैप का मतलब होता है एनर्जी स्ट्रेंथ, जो कि सिनोनिम है. विम, विम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली विगर वाला व्यक्ति, तो ये भी बिल्कुल सही है. लश, लश मतलब होता है हरियाली, हरा भरा बोलते हैं ना, लश ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो हरा भरा जंगल था, तो लश ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हरा भरा जंगल. और एपैथी, एपैथी का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा उदासीन व्यक्ति, जहां एक नंबर एक तरफ खुशनुमा व्यक्ति है, खुश मिजाज व्यक्ति है, दूसरी तरफ उदासीन व्यक्ति है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उदासीन एपैथी. ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना, इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है. फर्स्ट है रेक्लूज, रेक्लूज का मतलब होता है सन्यासी, या फिर आर्केन, आर्केन का मतलब होता है कुछ ऐसा सीक्रेटिव सा जो कुछ ही लोग जानते हो या कुछ ही लोग समझ पाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्केन. रेवरेंट, रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धालु. और इटिनरेंट, इटिनरेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना, यात्राशील. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब हमें इसमें सेम मीनिंग वाला वर्ड निकालना है, यानी कि सिनोनिम ढूंढना है.
ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। ऑप्शन ए है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब अनिवार्य, ठीक है, एक तरह से नेसेसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन यानी कि आपका कर्तव्य है, आपके लिए एक नेसेसिटी है वो करना, आपको आपका दायित्व है। जैसे अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके ऑब्लिगेशंस हैं कुछ कंपनी के प्रति, तो वो आपके लिए एक नेसेसिटी है कि आपको वो काम करना ही है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इम्पेरेटिव इज करेक्ट। लूप होल, लूप होल मतलब कुछ कमियां, कुछ बचाव का रास्ता, कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं जिनसे लोग बच निकल सकते हैं। जैसे हमारे कानून में कुछ त्रुटियां हैं जिनका फायदा उठा के कई लोग बच निकलते हैं। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब अपने पद से हट जाना, त्याग कर देना, निकाल दिया जाना या फिर छोड़ देना, मतलब किसी भी तरीके से उस पद को छोड़ देना, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद भी हो सकता है। क्वाइटस, क्वाइटस मतलब मृत्यु, ठीक है। सो ऑप्शन ए इम्पेरेटिव इज करेक्ट। पिकासो पेंटेड गर्निका इन 1937। अब इसको पैसिव फॉर्म में करना है तो गर्निका सब्जेक्ट, पहले देखो आ रहा है सब्जेक्ट, फिर उसने क्या किया वर्ब पेंट करा, और क्या पेंट करा गर्निका ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या है गर्निका, गर्निका। अब क्या किया गया था, पेंट किया गया था, तो वॉज पेंटेड किसके द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा, बाय पिकासो, और कब पेंट किया गया था, इन 1937, ठीक है। सो गर्निका वॉज पेंटिंग, वॉज पेंटिंग नहीं आएगा, पेंटेड आएगा, ठीक है। गर्निका पेंट नहीं कर रही थी, गर्निका पेंट किया गया था या किया गई थी, जगह का नाम है एक, या फिर कुछ पेंटिंग का नाम है, मतलब किसी चीज का नाम है जो कि पेंट किया गया था पिकासो द्वारा, तो वॉज पेंटिंग बाय पिकासो नहीं होगा, वॉज पेंटेड होगा। गर्निका वॉज बीन पेंटेड, क्योंकि गलत है यहां पे, गर्निका वॉज पेंट ये भी गलत है, गर्निका वॉज पेंटेड बाय पिकासो इन 1937, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको रीअरेंज करना है। ऑन द यूएस नेवल बेस क्लोज टू द प्रिजन कंपाउंड्स, ये कहां पर है, यूएस नेवल बेस पे है जो कि प्रिजन कंपाउंड्स के पास में है। हाउसिंग द रिमेनिंग 39 डिटेनीज हेल्ड इन द वॉर ऑन टेरर, यहाँ पे मतलब वहां पे 39 डिटेनीज, डिटेनीज क्या होते हैं, जिनको डिटेन कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, यानी पकड़ लिया जाता है, पकड़ के धर दबोच लिया जाता है, वो होते हैं डिटेनीज सरकार द्वारा या फिर पुलिस द्वारा, तो उनको वहां पे रखा गया है, कितने 39 डिटेनीज को रखा गया है जो कि वॉर ऑन टेरर के दौरान पकड़े गए थे। इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू रन द माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर, अब यहाँ पे क्या किया गया, टेंडर्स इनवाइट किए गए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा, ताकि वहां पे वो क्या कर सके, माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर्स चला सके, यानी कि जैसे सपोज करो कि कॉलेज मेस चलानी है, उसके लिए उन्हें टेंडर इनवाइट करे लोकल कैंटीन से कि आप बताओ आप चला सकते हो हमारे कॉलेज की कैंटीन या नहीं, वैसे ही माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर थे उनको चलाने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर्स मांगे गए, ठीक है। द इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ब्यूरो इज, और किसके द्वारा मांगे गए, द इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ब्यूरो, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया क्या चीज की बात हो रही है, शुरुआत हो रही है। द इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ब्यूरो इज इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू रन माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर, सेकेंड हो गया। थर्ड हो गया, अब ये सेंटर्स कहाँ हैं, ये सेंटर्स हैं यूएस नेवल बेस पे जो कि प्रिजन कंपाउंड्स के पास में है, जहां पे 39 डिटेनीज को रखा गया है, बचे हुए 39 डिटेनीज को रखा गया है जो कि वॉर ऑन टेरर के दौरान पकड़े गए थे, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, तो अरेंजमेंट बन रहा है एस आर पी क्यू। अब देखो एस से दो ऑप्शंस हैं सी और डी,
तो फर्स्ट सी ऑप्शन में एस पी आ रहा है जबकि हमें एस आर चाहिए, तो एस आर ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें इस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो इम्प्रूवमेंट इनमें से सिलेक्ट करो, अगर नहीं है जरूरत तो नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करो। नन ऑफ द विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, जो भी विटनेस थे वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, यानी कि मुजरिम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो नन ऑफ द विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है, विटनेस्ड है, ठीक है, ही विटनेस्ड द इंसिडेंट, और वहां पे वो सबूत के गवाह के तौर पे खड़ा है, तो ही इज अ विटनेस, ठीक है, तो नन ऑफ द विटनेस यहां पे आ रहा है, विटनेस हैड आइडेंटिफाई, तो यहां पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये इनकरेक्ट है, विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाइड ये भी इनकरेक्ट है, विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। We can usefully distinguish four types of claims that have been traditionally made using the dash human nature. बोल रहे हैं हम चार तरह के claims को distinguish, मतलब उनमें भेद कर सकते हैं, जो कि हमारे human nature के बारे में made, have been made traditionally using the dash human nature, यानी कि हमारे human nature के बारे में बोले गए हैं, या फिर human nature बोलते हुए बताया जाते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं कि ये ह्यूमन नेचर है, एक दोस्त सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरे को थोड़ी सी जलन हो जाती है, ह्यूमन नेचर है, आम बात है, ठीक है, ये बोलते हैं हम। तो चार ऐसे क्लेम्स हैं जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बता सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, चलिए देखते हैं। कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब होता है कि बहुत ही सहायक तौर पे, एडिशनल जो है उसका सबॉर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट नहीं, यूजिंग द कोलैटरल ह्यूमन नेचर नहीं होगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होता है कोई भी प्रयोग, उपयोग, ठीक है, जैसे इसका यूज कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। सी है नुआंस, नुआंस का मतलब होता है बारीकियों से जांच करना या बारीकियां, एकदम बिल्कुल बारीकियों को पकड़ना। और एक्सप्रेशन मतलब कि जो ह्यूमन नेचर का एक्सप्रेशन देके हम कई सारी चीज़ें बोलते हैं ना, उन क्लेम्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है, सो एक्सप्रेशन इज करेक्ट। वाक्यांश जिसको बोला जाता है ह्यूमन नेचर, अगर हम स्टेटमेंट देकर किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट दी हुई है, फिर उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अगर इन तीन पार्ट्स में कोई एरर है तो हमें वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो एरर पे टिक करना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस विद योर लाइफ, बोल रहे हो आप अपने जीवन में इस बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस को कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। बोलते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस लीजिए, नए नए कुछ चीजें सीखिए, आप उनको कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, तो आप एक्सपीरियंस विद नहीं कर रहे अपनी लाइफ के साथ में, आप क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे विद की बजाय इन आएगा, सो रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस विद योर लाइफ, ऑप्शन बी में एक एरर है, विद की जगह इन आएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन दिया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हैं, हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के उन क्वेश्चंस के बारे में बताना है। इम्प्रूविंग योर वेलबींग इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल डैश ऑफ ट्रैवलिंग, कि हमारी सेहत को इम्प्रूव करना, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे शारीरिक तौर पे हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, उसको इम्प्रूव करना फंडामेंटल क्या कंसिडर किया जाता है, ट्रैवलिंग का पार्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, कुछ है कि ट्रैवलिंग करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि आपकी सेहत इम्प्रूव होगी। ट्रैवलिंग helps to decrease the risk of heart disease and anxiety dash developing our brain health, बोल रहे हैं ट्रैवलिंग से हमारे हार्ट रिस्क भी कम होते हैं, हार्ट डिजीज के रिस्क कम होते हैं, एनजाइटी का रिस्क कम होता है, और साथ ही साथ हमारे ब्रेन की भी डेवलपमेंट होती है, ब्रेन हेल्थ भी मेंटेन होती है। देयर हैव बीन स्टडीज प्रूविंग दैट ट्रैवल कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आर हार्ट, बोल रहे हैं बहुत सारी ऐसी स्टडीज सामने आई हैं जिसमें पाया गया है कि ट्रैवल करने से हमारे हार्ट हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इज दैट व्हेन यू ट्रैवल टू न्यू
टू न्यू सराउंडिंग्स यू डैश अ रीस्टार्ट बटन टू योर बॉडी एंड माइंड. अब आप रीस्टार्ट बटन क्या करेंगे, पुश करेंगे ना या ऑन करेंगे. यू ऑन अ रीस्टार्ट बटन या यू पुश द रीस्टार्ट बटन. कह रहे हैं कि हेल्थ बेनिफिट क्या है ट्रैवलिंग का, कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं नई जगहों पे, नई सराउंडिंग्स पे, तो आप अपने बॉडी और माइंड के लिए एक रीस्टार्ट बटन ऑन कर देते हैं. दिस ब्रिंग्स इन फ्रेश एनर्जी व्हेन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल डैश एक्टिविटीज. और ये जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज में वापस आते हैं तब वो आपके लिए एक फ्रेश एनर्जी लेकर आती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इम्प्रूविंग योर वेलबींग इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल डैश ऑफ ट्रैवलिंग. क्या है ये फंडामेंटल? रैंसिडिटी. रैंसिडिटी का मतलब होता है कि ये अनप्लीजेंट सी स्टेट है. बट यहाँ पे फंडामेंटल बेनिफिट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फंडामेंटल जरूरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट है. तो अनप्लेजेंट एस्पेक्ट तो नहीं होगा ट्रैवलिंग का, कि हमारी हेल्थ अगर अच्छी हो जाए तो ये अनप्लेजेंट चीज़ तो नहीं है ना, हमारे लिए कोई ऐसी दुखद बात तो नहीं है ना कि हमारी सेहत भी अच्छी हो रही है ट्रैवल करने से, राइट? सो ए इनकरेक्ट है. सैंक्टिटी. सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, यानी कि ट्रैवल करने से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, तो ये ट्रैवलिंग का एक पवित्र एस्पेक्ट है. तो पवित्र एस्पेक्ट नहीं है. सैनिटी. सैनिटी मतलब विवेक भी नहीं होगा. बेनिफिट. ट्रैवलिंग का फंडामेंटल बेनिफिट है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ट्रैवलिंग हेल्प्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड एंजाइटी डैश डेवलपिंग आर ब्रेन हेल्थ. बोल रहे हैं ट्रैवलिंग से हार्ट डिजीज और एंजाइटी का जो रिस्क है वो कम होता है और हमारा ब्रेन की हेल्थ भी डेवलप होती है. एज डेवलपिंग और हमारे जैसे कि वो ब्रेन की हेल्थ डेवलप कर रहा है बिकॉज सो व्हाइल. तो यहाँ पे दो फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, हमारे हार्ट डिजीज, हमारी एंजाइटी कम हो रही है, उसके रिस्क कम हो रहे हैं, और हमारी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, डेवलप हो रही है. तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमारी ब्रेन हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है. सो व्हाइल का प्रयोग होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. There have been studies proving that travel can have a positive impact on our heart health. Heart की health के ऊपर हमारा positive impact होएगा ना. Bloom. Bloom मतलब खिलना. खिलने के ऊपर positive impact नहीं होएगा. Pace. Heart जिस गति से चल रहा है उसके ऊपर positive impact नहीं होएगा. Being. Heart being मतलब heart बनने पे या heart के होने पे positive impact नहीं होएगा. Heart की health के ऊपर positive impact होएगा. Option A is correct. The health benefit of traveling is that when you travel to a new surroundings, you dash a restart button. You press a restart button to your body and mind. Option A is correct. This brings in fresh energy when you get back to your normal dash activities. The normal regular activities. ठीक है, जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाएंगे तो आपको एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश एनर्जी मिलेगी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. ठीक है, और आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको सारा कंटेंट अवेलेबल है. दोनों चीजों का लिंक, टेलीग्राम चैनल का और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का लिंक, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.